अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में, और इस वक्त SSTO की ज़ेर निगरानी एक मुशायरे का इनेकाद किया गया जिसमें SSTO के कुछ मेंबर्स इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो उनको ये उर्दू अदब का मुशायरा और जो उर्दू अदब का जो फ़्रोग है उसको देखते हुए उनको कैसा महसूस हो रहा है और वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरीन आरजू है, BS फिज़िक्स थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत शुक्रगुजार हैं SSTO के कि उन्होंने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि हम यहाँ पे आए और उर्दू के रिलेटेड जो हमारे ख्यालात हैं, पोइट्री से रिलेटेड जो हमारा इंटरेस्ट है उसको शो करें, और बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसके अलावा उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, इसमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी कॉन्फिडेंस के साथ इसको शो करना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएँ कि अगर जो हमारी उर्दू ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, लेकिन हमारे जो ऑफिस हैं या हमारे जो निसाब वगैरह उसमें इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उर्दू अदब जो है हम उसको ज़्यादा मतलब फ्रॉग लेके आना चाहिए, उसको सामने लेके आना चाहिए, इंग्लिश को ही प्रमोट करना चाहिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो है कि हमें उर्दू को लेके आना चाहिए ताकि जो हमारी निचली सतह है, जो सोसाइटी वो पढ़ नहीं सकती है, वो पढ़ सके, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हमारी लीगल जो कवानीन है वो क्या है, क्योंकि हमारे कवानीन आज कल जो पब्लिक है उस तक पहुँच ही नहीं पाते, वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। इस वजह से मेरे ख्याल में उर्दू को ज़्यादा हमें प्रेफर करना चाहिए इंग्लिश की बनस्बत। थैंक यू सो मच, आपका क्या राय है इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है, और मेरा ख्याल है कि जो मतलब इस तरह के कमीशन चाहिए ताकि हम लोगों को अमन के बारे में जो है वो गाइड करें। जो आज का हमारा थीम है पोइट्री का, वो मेन पीस है अमन, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम मतलब एक इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों को पीस के बारे में गाइड कर रहे हैं। तो मुशायरे के लिहाज से जो उर्दू अदब उसके वाले से हम एक और प्रोफेसर हैं उनसे डिस्कस करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो उर्दू अदब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी सर, देखिए ये जितने भी मुशायरे हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आपको माशरे के लोगों को आपस में बात करने का मौका देते हैं, मुकालमे का मौका देते हैं, इससे जो हमारी एक माशरती घुटन है वो दूर होती है, जो सकाफती हब्स है वो खत्म होता है। लोगों को जब जैसे अरस्तू ने कहा था कि जज्बात का इनखला बहुत ज़रूरी है, जब तक जज्बात को इनखला का रास्ता नहीं मिलता वो फिर मुआशरती और इखलाकी जराइम को जन्म देता है। तो ये मुशायरे हैं, ये जो मेले हैं, इस तरह की जितनी भी सोशल गैदरिंग है, ये लोगों को बात करने का मौका देती है, मुकालमे का मौका देती है, जिससे अल्टीमेटली मुआशरा सेहतमंद और खुशगवार होता है। थैंक यू सो मच। सो जैसे कि हम जानते हैं कि SSTO पीस अमन और जो भाईचारा है इस हवाले से बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन इंशाल्लाह काम करती रहेगी। सस्टेनेबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और ये इंशाल्लाह इसी तरह कायम रहेगी और इस तरह ही भाईचारे को फ़्रोग देती रहेगी इंशाल्लाह। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ SSTO मेंबर खानेवाल।